सो हेलो गाइस, गेट टू नो यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुशोभन घोष और आज के ट्यूटोरियल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आप कैसे इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं एक्सेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉमिनल रेट है, तो ये जो परसेंटेज है इसे पहले हमको डेसिमल प्लेसेस में लाना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको पहले सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद आप फॉर्मेट सेल में आइए और यहाँ पर परसेंटेज को क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस है, इसे आप चेंज कर दीजिए 2 या 3, आपका जो भी पसंद है आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ERP भी ज़रूर कीजिएगा, ERP भी आप ज़रूर फॉर्मेट सेल में जाके ऐसे चेंज डेसिमल प्लेसेस को चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इजिकल टू देना है इफेक्ट और नॉमिनल रेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर NPR मतलब पीरियड को सिलेक्ट कर लीजिए या पेमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए फर्स्ट पीरियड में कोई चेंजेस नहीं होता है इफेक्टिव रेट का, लेकिन जब भी बढ़ता है पीरियड्स पेमेंट बढ़ता है तो यहाँ पर इफेक्टिव रेट में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर 4 टाइम पेमेंट्स होता है तो यहाँ पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको इतना पड़ता है, अगर 12 टाइम पेमेंट होता है तो इतना, और अगर हर दिन पेमेंट हो तो आपको इतना पड़ेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल में नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए।